वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था एंड आज है दिन मंगलवार और मैं जाने वाली हूँ मंदिर, क्योंकि मेरा 15K कंप्लीट हो गया है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सोचा क्यों ना केक से काटते हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और फैमिली जब अच्छी हो जाएगी तब मैं एक अच्छी सी पार्टी रखूँगी, छोटी सी अच्छी सी पार्टी रखूँगी एंड फिर उस टाइम ही केक कट कर लूँगी मैं। तो आज मैं उसके लिए जाने वाली हूँ मंदिर एंड मंदिर जाके मैं पूजा करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए एंड यहाँ मैं रेडी सेडी हो गई थी। और ये होली के बाद वाला ब्लॉग है, होली के एक दिन बाद का ब्लॉग है, मे बी कल का 25-26 का ये ब्लॉग है एंड 15K मेरा कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा कुछ भगवान को पहले शुक्रिया कर लिया जाए, फिर जो भी देखा जाएगा होगा। और यहाँ मैं नहा के आ गई थी सुबह मॉर्निंग में ही, और मैं यहाँ पे कुछ स्किन केयर फॉलो कर रही थी, तो मैं सनस्क्रीम अप्लाई कर रही थी। और पता है जो कल का कलर हमने खेला हुआ था उससे मेरा फेस बिल्कुल डल हो गया है, बहुत गंदा हो गया मेरे फेस पे, पूरा रेडनेस वगैरह सब कुछ, पिंपल्स भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे कलर सूट नहीं करता है। लेकिन होली के दिन क्या करें यार, होली बार बार नहीं आता है, मतलब साल में एक बार आता है, तो इन्जॉय करना ज़रूरी था। और यहाँ मैं आई तो मम्मी मेरी ऑलरेडी पूजा वाले रूम में आ गई थी और यहाँ पे वो भजन का जो बुक लेके आई है अपने भगवान जी का, तो वही मम्मी सुना रही थी। तो मैं यहाँ पे चली पूजा करने के लिए और ये रही मेरी चुन्नी, और एक चुन्नी मैं अपने पूजा रूम में रखती हूँ अलग से, जैसे कि कोई भी जूठा वगैरह ना हो, उसे कोई टच ना करे, इसलिए पूजा वाले रूम में ही रहता है। और यहाँ मैं आ गई अपने कान्हा जी के पास, क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी होता है हमारे कान्हा जी करते हैं। और मुझे पूजा, मतलब कान्हा जी के लिए मैं स्पेशली पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी भगवान को मानती हूँ, शंकर जी मेरे फेवरेट हैं, सभी लोग हैं, लेकिन कान्हा जी से ऐसा फील होता है ना कि ये हम लोग जैसे बच्चे हैं, ऐसा फील होता है। इनको पूजा करने में मुझे ये फील नहीं होता है कि मैं डरूँ, मुझे इंजॉय होता है। जैसे बचपन में हम लोग गुड़िया पुतली को खिलाते थे ना, वो वाली वाइब आती है। इनको रेडी करना, इनका ड्रेस चेंज करना, इनको स्नान करवाना, इनकी हर एक चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये है हमारे कान्हा जी का ड्रेस जो कि मम्मी ने सिला हुआ है, और कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कलर कैसा लग रहा है ड्रेस का। मुझे तो बहुत प्रीटी लग रहा था एंड कान्हा जी भी बहुत क्यूट लग रहे थे। और इनका अब रह गया है मेकअप करना, तो मैं मेकअप कर देती हूँ इनका और सारे श्रृंगार कर देती हूँ। बहुत क्यूट लग रहे थे आज मेरे कान्हा जी, जितनी कि मैं खुश थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान्हा जी भी बहुत 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 खुश हैं। और यहाँ पर चलिए पर जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और ये मेरे कान्हा जी रेडी हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सभी लोग लिख दीजिएगा जय श्री कृष्णा। एंड अब मैं चलिए पूजा कर लूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ, तो मेरा ब्लॉग एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, इस वीडियो को बहुत छोटा रखना चाहती हूँ एंड हर एक मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करके मैं रखना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को अच्छे से रखा हुआ है। एंड यहाँ मैं पूजा कंप्लीट कर ली थी और मंदिर के लिए भी मैंने सारे कुछ तैयारियाँ कर लिया है, जल वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। और पूजा का मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है मेरी कि पूजा का ब्लॉग नहीं बनाया जाता है, और उनका मानना है कि जब भाई कोई भी चीज़ करो तो दिखावटी ना करो। मैं वही करती हूँ, मतलब कान्हा जी को दिखा देती हूँ और जो भी मेरे भगवान हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। पर्सनली पूजा का ब्लॉग एक्चुअली उतना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि ये लगता है कि दिखावटी हो रहा है और हमारा जो ध्यान होता है इधर उधर भटकता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अगर कोई होता है तो मैं उस बंदे को दे देती हूँ। आप लोग सोचो जब हम पूजा करेंगे तो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, तो या तो पूजा करो या तो ब्लॉगिंग करो। तो मैंने यहाँ पे अपनी छोटी सिस्टर को साथ में ले लिया था जो मीठी है मेरी, और उसको साथ में ले कर मैं गई थी मंदिर के लिए। तो यहाँ मैं जा रही थी मंदिर और मैंने उससे बोला था कि चलो मेरे साथ ही। और यहाँ पे आ गई थी मैं शंकर जी के पास, और लाइफ में कोई ऐसी खुशी आए मैं शंकर जी के पास ना जो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है बस इन्हीं लोग की कृपा से हो रहा है हमारे लाइफ में। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी, और ये देखो ये यहाँ पर पता नहीं कौन सा जानवर था, बकरी थी, उसके साथ वो खेलने लगी।
जब तक हम लोग वहाँ पूजा कर रहे थे, ये जो बकरियाँ हैं दोनों, वो पता नहीं क्यों क्या देखी जा रही थी, इनको क्या ही समझ में आ रहा था, और वहाँ से हट ही नहीं रही थी। फिर हम लोग ने बहुत पहले ट्राई किया था कि चले जाएंगी, सब लोगों ने बोला कि पानी फेंको शरीर पे, तो वो लोग भागती हैं, लेकिन ये जा ही नहीं रही थी यहाँ पे, ये इसको पूरा ऊपर से नीचे तक दौड़ा ली थी। और यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था, तो हम लोग चल लिए थे घर की तरफ। और ये है हमारा प्रीटी सा प्यारा सा गाँव, मेरे मायके वाला गाँव है ये, और यहाँ पर मैं जा रही थी घर, और वो बकरियाँ वहाँ से फिर भी नहीं हटी, जैसे ही हम लोग पूजा करके हटे वहाँ पर, बस पता नहीं क्या करने लगी। एंड अब चलते हैं घर। यहाँ मैं मंदिर से घर वापस आ गई थी, तो जैसे मैं घर आई वापस, तो यहाँ ये दोनों रेडी हो रही थी जाने के लिए, और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, वो लोग चिल्लाने लगे कि मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन मैंने वीडियो शूट कर लिया था इन दोनों का। और यहाँ पे दोनों मैंने आपस में मेकअप कर रही थी, वो उसका मेकअप कर रही है, वो उसका मेकअप कर रही हैं, और फिर उसके बाद ये लोग बगल में एक किसी घर बेबी हुआ था, तो वहाँ पे जो बरेई होता है वहाँ पार्टी में जाती है, ये लोग कुछ छोटा सा फंक्शन था, तो यहाँ पे ये लोग घर से निकली थी अभी 10-11 बजे, और ये लोग वापस आई थी रात के 9:30 बजे, तब तक मैं अकेली थी घर पे पड़ी हुई। और यहाँ पे मैं इन दोनों का फोटो शूट कर ब्लॉग शूट कर रही थी, और हमारी बहनें कहीं जाएं और बिना मेकअप के जाएं ये तो हो नहीं सकता, ये लोग जहाँ भी जाती हैं पूरा रेडी सेडी होके जाती हैं। और इसके बाद ये लोग चली गई थी और मैं पड़ी गई घर पर अकेले, और फिर इसके बाद इन लोग के जाने के बाद मैंने अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड कर दिया था, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता, 9 मिनट का एक्चुअली हो गया था ये वीडियो, सो मैंने सोचा यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर 50K, क्योंकि ये सफ़र मेरा बहुत बहुत ज़्यादा लंबा था और इतने छोटे पल में हो गया, मतलब बहुत मुझे पता ही नहीं चला मेरे कब 1K हुए 2K हुए, मतलब ये जर्नी मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि जब मैं एक चैनल अपना खो दी थी तो मुझे बहुत बहुत गिल्टी फील हुआ था कि मैंने एक गलती क्यों किया है एंड मेरा चैनल क्यों चला गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये लोग यहाँ से जा रही थी, और बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।